इंदौर के नर्सिंग स्टूडेंट से ग्वालियर में रेप का मामला सामने आया है। यहां मकान मालिक ने छात्रा के कमरे में घुसकर दुष्कर्म कर दिया है। विरोध करने पर आरोपी ने छात्रा को बेल्ट से भी पीटा। किसी को बताने पर हत्या की धमकी देकर भाग गया था। घटना मंगलवार देर रात थाटीपुर इलाके की है। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। थाटीपुर स्थित संजय नगर इलाके में रहने वाले सुरेंद्र यादव के मकान में 21 साल की छात्रा किराए से रहती है। छात्रा इंदौर की रहने वाली है। वह यहाँ जीवज यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर डिप्लोमा और नर्सिंग का कोर्स कर रही है। मंगलवार रात 8 बजे छात्रा ज्ञान देकर घर लौटी थी। थकावट होने पर वह नहाने की जब वापस आई तो देखा कि मकान मालिक का बेटा मनोज पुत्र सुरेंद्र यादव कमरे में घुसाया है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। घटना के बाद छात्रा ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। छात्रा इंदौर में धार रोड पर रहती है। वैसे मूलतः वह कुछ वर्षों से परिवार इंदौर में रह रहा है। छात्रा ग्वालियर में दूसरे इलाके 2 महीने पहले ही सुरेंद्र यादव के मकान में रहने आई थी। पता चला है कि आरोपी मनोज इकलौता बेटा है। थाटीपुर थाना प्रभारी पंकज त्यागी ने बताया कि छात्रा की रिपोर्ट कर लिया गया है। आरोपी फरार है, उसकी तलाश में दबिश दी गई है, जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। मकान मालिक का लड़का है, वो जबरदस्ती मेरे कमरे के अंदर घुसाया और उसके द्वारा मेरे साथ गलत काम किया गया और फिर उसके बाद वो मेरा मोबाइल भी ले गया और मुझे धमकी भी दी। तो इस आधार पर थाना थाटीपुर में दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन में लिया गया।